हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सानज मल्टी क्यूजिन फूड। आज हम एक टर्की स्वीट रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही इजी है और टेस्टी भी होता है। अगर आपको आज का मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपलोड किया हुआ नया रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के राइट साइड में सब्सक्राइब बटन को टच करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो टर्की शुगर बेरी बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सिरप बनानी है, तो उसके लिए पैन में 1 कप चीनी लेंगे, 1/3 कप पानी लेंगे, 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम में इस पैन को रख देंगे जब तक अच्छे से उबल नहीं आ जाता और चीनी बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाता और इस सिरप का टेक्सचर थोड़ा पतला होगा। अब एक बाउल में एक अंडा तोड़ के लेंगे और इसमें 1/2 कप होममेड दही ऐड करेंगे। इस दही का रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अब 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मिक्स कर लिया है पहले से, इसे ऐड कर देंगे। आप सिर्फ बटर भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 कप सूजी या सेमोलिना ऐड करके भी मिक्स करेंगे। अब 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हाथों की मदद से अच्छे से नीट कर लेंगे। अब 1 to 2 आवर्स के लिए कवर करके साइड में रख देंगे। देखिए, आफ्टर 1 to 2 आवर्स फिर से एक बार अच्छे से नीट करेंगे फ्यू मिनट्स के लिए। अब 2 हिस्सों में काट लेंगे और 1 हिस्से में कोको पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और अच्छे से नीट कर लेंगे। आपको अगर चॉकलेटी फ्लेवर पसंद नहीं तो आप सिर्फ व्हाइट वाला ही कर सकते हो। अब इक्वल साइज का बॉल्स बना के राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, एक एक करके बॉल्स लेके मोल्ड के अंदर रखेंगे और एक अच्छा सा शेप दे देंगे। अगर आप मोल्ड के अंदर नहीं देना चाहते शेप के लिए तो आप हाथों से ही कुछ भी शेप बना सकते हो। तो देखिए ऐसा होगा, तो ऐसा करके सारे बॉल्स का हम शेप बना के रखते हैं। सेम प्रोसेस में व्हाइट पोर्शन से भी शेप बना लेते हैं। अब प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 to 60 मिनट्स के लिए रखेंगे, या फिर जब तक पूरा बेक नहीं हो जाता और गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक इसे बेक करेंगे। देखिए, अच्छे से बेक हो जाने के बाद और गोल्डन कलर आ जाने के बाद इसे ओवन से निकाल लेंगे और ऊपर शुगर सिरप पोर कर देंगे। अब बेकिंग ट्रे को कवर करके 1 to 2 आवर्स के लिए रख देंगे। तो देखिए, शुगर बेरी बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर देंगे। और आप इस शुगर बेरी को रेफ्रिजरेटर में 4 to 5 डेज के लिए आराम से रख सकते हो।
तो देखिए इजी एंड टेस्टी टर्किश स्वीट बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। प्लीज़ इसे घर पर ट्राई जरूर करना है, बहुत ही टेस्टी होता है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपलोड किया हुआ नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।